वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज मी ज़ैनब फैसल। वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। सो यार, आप लोग देख रहे होंगे व्यवस्था पकड़ के ब्लैक शर्ट में कहाँ जा रही है, क्योंकि स्कूल का यूनिफॉर्म तो होता नहीं है यार। आज फ्राइडे ऐसे ही है और फ्राइडे को स्कूल से छुट्टी है, क्योंकि स्कूल वालों ने इवेंट रखा हुआ है, तो ऑब्वियस इवेंट वाले दिन स्कूल में पढ़ाता कौन है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरी हालत, ये सुबह के कोई 10 बजने वाले ऐसे ही। अभी मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, वहाँ जाके हम लोगों ने इकट्ठे तैयार होने, उसके बाद हम लोगों ने स्कूल जाना है, स्कूल में जो इवेंट हो रहा है उसको देखना है और दिखाऊंगी आप लोगों को भी। आज तो कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन कल जो है वो कॉन्सर्ट और डीजे नाइट है, कल खूब मस्ती होगी। कल मैं आपको फुल ऑन दिखाऊंगी, लेकिन आज भी मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मस्ती जो भी मैं करूंगी। सही, अभी मामा जो है बाहर गाड़ी निकाल के आ गए यार, मुझे इतना रोना आ रहा है क्योंकि मुझे कोई कपड़े ही नहीं मिल रहे, मैं इतना ढूंढ रहा हूँ। और ये सारा गंद आप लोग देख सकते हैं, इतना ज़्यादा गंद मैंने डाल दिया और मामा से मुझे अभी इतनी डांट पड़ी है। अभी मैं जल्दी से जाती हूँ, उसके बाद जाके देखते हैं कुछ मिलता है पहनने को तो पहनते हैं और फिर निकलते हैं। तो लेट्स गो। ओके, सो फाइनली जो है मैंने जूता भी अपना पकड़ लिया, बस्ता भी पकड़ लिया, एक और बैग था वो भी पकड़ लिया। मामा यहाँ मेरा वेट करिए। हेलो मामा, सुबह सुबह उठ के कैसे लग रहे हैं मुझे छोड़ के? जाना, मैं नींद में हूँ। पछतावा नहीं हो रहा आपको किसी चीज़ का कि मैंने गाड़ी क्यों सीख ली गाइस? लेकिन पछतावा क्यों होना है, फायदा तो मेरा ही हो रहा है। सामान जो है हम लोग पीछे वगैरह रखते हैं, अभी मेरी हालत इतनी गंदी हो रही है। अम्मा जी, इवेंट है, कल कॉन्सर्ट और डीजे नाइट है, आज बिजनेस का कोई इवेंट है। मैं तो वैसे किसी में नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इवेंट है तो इवेंट पे तो जाना ही होता है ना मस्ती करने के लिए। स्कूल का पहला इवेंट, या मेरे स्कूल का पहला इवेंट, पहले छोटी का स्कूल शुरू हुआ है, अब छोटी का पहला इवेंट। अब इवेंट स्टार्ट हुए तो अभी और होने, अभी अक्टूबर असेसमेंट्स भी आने, पढ़ाई भी होनी है यार। अभी मस्तियों की खातिर जैनब स्कूल जाती है, वो मस्तियाँ शुरू। लेकिन स्कूल में मतलब मस्ती भी होती है, पढ़ाई भी होती है, खूब मस्ती करते हैं। ये क्या है, खूब पढ़ाई भी करते हैं। ओके, सो फाइनली मैं जो हूँ वो पहुंच चुकी हूँ अपनी दोस्त के घर। अब मम्मा मैं जा रही हूँ, ठीक है, तैयार वगैरह वहीं से होंगी, नाश्ता भी वहीं से ही कर लूंगी। ओके ओके, ये उसके कपड़े दे देना। हाँ, उसके कपड़े रह गए थे यार, एक तो दोस्तों के यही काम होते हैं, कपड़े सपड़े इधर उधर हुए होते हैं। सही है, अभी हम लोग सारा सामान निकालते हैं। ये सारी दोस्तें ऐसे करती है, हाँ, उधर उधर यार, देखो उनके कपड़े मेरे कपड़े, मेरे कपड़े उनके कपड़े, जो उन्होंने पहने होते हैं ले लेते हैं, ऐसा खैर। अब मैं चलती हूँ तो लोग कहेंगे कि इनको पहने भी अच्छी मिली और दोस्तें भी अच्छी मिली। हाँ ना, दोस्तें मैंने इक्वल आती हैं। चलो अब लेट्स गो गाइस, हमने मस्ती शस्ती नहीं करनी, मस्ती शस्ती नहीं रुकनी चाहिए, खूब मस्ती करानी है। तुम मैं करूंगी मस्ती, ये मुझे लेकर जा रही है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, ठीक है। मैं फिर ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ये तो सुबह सुबह कॉल करके मुझे कहा ना उठो, मैंने कहा मैंने नहीं भरोसा रखा, ऐसा ही हुआ था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अभी हम लोग चलते हैं, कब तक निकलना है? 10 मिनट, 10 मिनट तक निकलेंगे, 20 मिनट तक। अब तैयार हो चुके हैं हम लोग, खूब मस्त सीन है, हम निकलते हैं। ओके गाइस, सो मामा ने कहा था खाना खाना, तो मैं यहाँ पर आकर जो ना वो चोको मोको खा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर खा रहे हैं कोको क्रंच, हम लोगों ने वहाँ पे डाल दिया हुआ है। सही, आप चीनी डाल के दूध के अंदर फिर कोको क्रंच डालते हो? लेकिन मुझे कोको क्रंच चीनी के साथ बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ऐसे ज्यादा पसंद है। आप अलग हो, निकल जाओ। मीठा पसंद है आपको? मीठा पसंद है, दांत में कीड़े लगे। मजाक करी, मजाक है। अभी हम लोग खाना साना खाते हैं और लेट्स गो। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं, इतनी मुश्किलों इतनी देरों के बाद हम निकलने लगे हैं। अब वहां जाके मस्ती करवानी है ना तुमने? इतनी मस्ती कराऊंगी के बाद? बस सही है, खूब सारी हम लोगों ने मस्ती करनी है, ठीक है। नहीं, धूप चेक करो यार, फुल लुक दिखाते हैं। क्या फुल लुक दिखाते हैं? कहां आ गई ये? देखिए हमारी बिल्ली है गाइस। क्या क्या बिल्ली? ये बहुत प्यारी है। ओके गाइस, तो यार हमारे साथ आज इतना बड़ा प्रैंक हो गया। सही है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती, आप लोग सोचोगे मैं दूसरी दुनिया में कहाँ आ गई हूँ। मामा यार आप बताना पसंद करोगे? हमने इतना मजा किया है ना, बस हम स्कूल के अंदर नहीं जा पाए। गए थे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा? हम अच्छा, अच्छे की बात नहीं गाइस, हमें बाहर फेंक दिया गया था, हमें अच्छा नहीं लगा था तुम्हारा। हाँ सही बात है, मस्ता ये हुआ था एक्चुअली में कि आप बहुत ज्यादा गर्मी थी, ऊपर से इतना मस्ती की, हम फंको गए, हम खाना खा के गाइस। इवेंट इतना अच्छा था कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी गाइस। कल का इवेंट समझ रहे हो ना, मैं क्यों नहीं दिखा पाई, तो समझ रहे। इतना अच्छा था कि दिखाई नहीं पाई। अभी एक और दोस्त के घर आए हैं वहाँ से, अब देखते हैं। ओ वाओ, यहाँ पे वो लाइट, ओ माय गॉड। कल कॉन्सर्ट का भी आज के ही व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब स्टे ट्यून्ड, पूरी व्लॉग हैवी किस्म का हुआ। स्टे ट्यून्ड, या कल देखिएगा आप हमारा फिट, कल हमारा फिट चेक कीजिएगा। ब्रेजी फिट, इतना फिट होगा कि सब कहेंगे ओ भाई क्या बहुत हैवी हो गया। घर के अंदर आगे लेकिन मैं पता नहीं घर के अंदर आए तो है कहाँ वो ईमान। और घर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, वैसे इधर ही ना शिफ्ट हो। वाह, ये कितना प्यारा है, ले ये जरूर अंदर छोटा बच्चा रहता है। ईमान कहाँ पर रह गई हैं, हम लोग आए हैं आपके घर और आप गायब हो गए। ओके गाइस, सो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड के कमरे में, तो मैं आप लोगों को अपनी एक न्यू अदर फ्रेंड से मिलवाती हूँ। हेलो ईमान, कैसी हो? ठीक ठाक हो? और ये दूसरी फ्रेंड, हेलो आयजा, कैसी हो? ठीक ठाक हो? और इसको तो आप जानती होंगे, इसको एज यूजुअल इग्नोर किया जाए। तो गाइस कैसा लगा आज का आपको इवेंट?
बहुत अच्छा यार, हम बोर हो गए थे इसलिए हम निकल आए थे, क्योंकि मस्ती नहीं की थी हम लोगों ने। आप तो आई नहीं, अच्छा किया नहीं आई, कल आना कॉन्सर्ट पे, अभी आज के ही ब्लॉग में दिखाया जाएगा। यार मैं इनके रूम में आई और मुझे एक इतनी ब्रेजी इतनी अच्छी चीज नजर आई, ये सारा थीम ठीक है। आप लोग देख रहे हो चीज क्या है, ऑब्वियसली आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये पिलो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा ये है पायलट का थीम सारा, मतलब कि इसके वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छा ट्रेनिंग है क्योंकि वो जहाज उड़ाते हैं। गाइस अभी मैं एक मूवी देख रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री आईसी पता नहीं कौन सी, और ये सारी इतनी प्यारी पेंटिंग है कि वो पायलट। यार मेरा भी सपना था पायलट बनने का, वो अधूरा रह गया क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ। वैसे मैं इतनी सी एज में भी प्लेन उड़ाने को तैयार हूँ, लेकिन इतने लोगों की जहाज होती है जरूरत, गजब बेइज्जती है। ये चेक करिए तुम्हारी झुकते हुए, वो ठंडी ठंडी उड़ के जा रही है। ऐसा कहेंगे यहाँ पे क्या बोले, आपकी तरह ठंडी चुप करूंगा। यार यहाँ पे इसका ये जो ट्रेनिंग का होता है वो एयरपोर्ट पायलट आइडिया नहीं है, कैंसिल करें आप लोग, इसके बाद कोई इससे बात नहीं, आपको कैंसिल किया जाए, चुप करें। ओह माय गॉड, एक मिनट जरा अभी मैं तुमसे कुछ पूछ लूँ ना प्लेन का, तो तुम बता आज बता ही दो मुझे प्लेन का, छह नहीं होते, दो होते, और नहीं तीन होते, 12, 2, 18 होते हैं, 18 नहीं पता था। तो कभी प्लेन के नीचे देखा हो, इसलिए ना हम लोग तो बैठते ही अंदर है, तो ये कहा कि अंदर बैठती है, नीचे नहीं देखा करती है, वैसे ही जहाज उड़ते रहते हैं। ओके अभी यार हम लोगों ने खूब मस्ती शस्ती करनी है ना, कोई बात नहीं। मम्मा भी पूछ रही थी कहा, मैंने कहा मम्मा मस्ती कर रही हूँ दोस्तों के घर, अभी खैर हम लोग थोड़ा बार्बी पार्क में भी घूमे शुमेंगे ठीक है ना, वो भी आलू बुझाऊंगा तो लेट्स गो। ओके गाइस सो अब हम लोग जाने लगे, तो बाय का टाइम आ गया, अल्लाह हाफिज़। नहीं मुझे बिल्कुल भी करना, कल फिर से आऊंगी, कल यहीं से ही रेडी होकर हम लोग जाएंगे। बस सही है, अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, सो लेट्स गो। ओके गाइस सो यहाँ पे मुझे फार्मा की मम्मा और फार्मा आई है छोड़ने के लिए, ताकि मम्मा यहाँ पे आए, वो मम्मा आ चुकी है उस साइड पे, देख सकते हैं आप लोग गाड़ी आ रही है। अब हम लोग उतरते हैं और दूसरी गाड़ी मम्मा के साथ चलते हैं। यार बहुत मजा आया फार्मा, कल आपसे दोबारा मिलते हैं। यस कल हम दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आंटी, बाय बाय। अब मम्मा कहाँ गई, अच्छा वो है, चले जी अल्लाह हाफिज़ गाइस। हाँ मैं आराम से जाती हूँ और अब घर जाते हैं और देखते हैं घर के हालात। ओके गाइस सो फाइनली गाड़ी में आ गए। हेलो मम्मी कैसी हो, हेलो। और अच्छा तो आज राबिया मुझे लेने के लिए आई है स्पेशल, इतना टाइम मैंने, तुम लोगों ने टाइम इतना सारा लगाया, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं तुम लोग का, जब तुम्हारी कॉल आई थी हम निकल चुके हुए थे फौरन निकल। मम्मा बहुत तेज माशाल्लाह गाड़ी चला रही है यार, हैवी सीन हो गया, लेकिन हम लोग को आज बहुत मजा आया। अब कल कॉन्सर्ट है, डीजे इधर आ गए, तुम मेरे लिए आउटफिट सिलेक्ट करोगी ठीक है, आज की मैं ज़ैनब की स्टाइलिस्ट बन जाती हूँ। एग्जैक्टली कपड़े हैं नहीं लेकिन स्टाइलिस्ट बन जाना ठीक है। अभी घर चलते हैं और देखते हैं। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना टेलीपोर्ट हो गया हया के घर कैसे आ गई। हेलो हया कैसी हो, मिस यू सो मच, कैसी हो, ठीक ठाक हो। तो बता आज मेरे स्कूल में इवेंट था, खूब मस्ती की मैंने, पता है मुझे घर से बाहर निकाली, मैं इससे मिलने के लिए आई थी, बहुत मिस कर रही थी, अब मैं वापस घर जा रही हूँ, तो लव यू सो मच, बाय। ये अब मेरे घर आएगी, तुम बिन बुलाए आ जाना, बस सही है जब मर्जी है। अभी ऐसे इधर ही रहो गाड़ी में बैठ देना मुझे पहले। नहीं, मुझे हाँ अच्छा ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। The next morning. Good morning guys. आज है इवेंट का दूसरा दिन, सही है, और मैं उठ चुकी हूँ ठीक है, 2-3 को बज रहे हैं, सही है। आज मैंने जाना है 5 को बजे इवेंट पे, तो मामा जी यहाँ पे खड़ी हुई है, मामा से कहता हूँ नाश्ता वगैरह दें जल्दी से खाते हैं, और हम और मुझे कुछ नहीं पता मैंने आउटफिट क्या पहनना है, कर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने पहनना क्या, दो बार लाइन बोल चुके हैं। ज़ैनब के इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं और हाँ। ज़ैनब हो चुकी है बिजी, तो हाँ। जाने से पहले मेरे साथ चलो, मैंने थोड़ा फ्रूट लेके आना है, तो मेरे साथ चलो फिर आगे तैयार हो। यार मम्मा ये क्या बात होती है, मैं जल्दी तैयार होना, लेट हो जाएंगे फिर हम साथ जाओगे कि फ्रूट खरीदने का तुम्हें भी तरीका शरीका आएगा कि खाली कॉन्सर्ट पे ही जाना है तुमने, मेरे साथ आओ। अच्छा ठीक है आती हूँ थोड़ी देर, बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सब बहने सोई है, ज़ैनब उठी, इसका फायदा उठाओ, इसे साथ लेके जाना। अच्छा ठीक है आ रही है, मैं भी मम्मा के पास होकर आती हूँ वापस, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेट नहीं करूंगी, आके तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी लेती हूँ, कि राबिया को कहूंगी तुम्हें ड्रेस भी निकाल के दे, तुम्हें पूरा तैयार भी करे। मम्मा राबिया ने निकाल के दिया हुआ है, बस उसको पहनना है हम लोगों ने, और उससे तैयार होना है। ठीक है आके देखते हैं। यार हम लोग बाहर आए हैं ठीक है, अभी मैंने घर में तैयार हो रही हूँ ना, तो लेकिन मामा ने कहा चल मेरे साथ जाके एप्पल लेके आने हैं, तो काम यार मेरे एप्पल मेरा फ्रूट खत्म हुआ था, मैंने वो लेना था, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी फिर। मम्मा कितनी बुरी बात है यार, ये ऐसे करते हैं। नहीं तुम मेरे साथ जा, अब मैं अकेले आती फ्रूट लेने, तुम गाड़ी में बैठी थी, मैंने सारा फ्रूट लिया लेके रख लिया,
अब तुम्हें चलो सही है कॉन्सर्ट में तुम्हें मैं फिर छोड़ने जाऊंगी वो जिम्मेदारी चलो सही है अब जल्दी जल्दी मेरे ख्याल से फातिमा ने भी मेरे साथ जाना है उसने आगे अपनी दोस्त के घर जाना है उसको बिठाते हैं फिर तुम दोनों को मैं वहां तक छोड़ाऊंगी आगे फिर तुम लोग चले चल डाना अभी फार्मा घर जाना है उसके बाद जल्दी से तैयार होते हैं फिर बाहर ले आएंगे साथ तुम्हें जाना पड़ा करेगा ओके ओके मैं तुम्हारे साथ जाऊँ और तुम जाओ ना ये तो गलत बात है हाँ ठीक है बस घर चलते हैं ओके गाइस सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर सही है बहुत ज्यादा मैं थक चुकी हूँ अब जल्दी जल्दी से हमने होना है रेडी तो रेडी होके आपसे मिलती हूँ ओके गाइस यार मुझे कुछ नहीं मिल रहा कपड़ों के लिए तो हिरापी से मैं पूछू प्लीज मुझे डिजाइन कर दो यार हिरापी क्या राबिया ने तो कुछ अच्छा मुझे डिजाइन नहीं है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं मम्मी तुमने ये पहन के जाना तो मुझे इसको देख के गर्मा उठ रहा है मेरे इतना पसीना पागल है पहन लो साथ में साथ ऐसे लटका ले मैंने कहा घर में आई है घर में आई है हमारे घर की सुघड़ लड़की है तुम्हें अच्छा डिजाइन करेगी मुझे पता है ना हिरापी जरा लुक इंसान की अच्छी क्रिएट कर देती है तारीफें हो रही है मक्खन लग रहे हैं मक्खन नहीं लग रहे हैं यार ये शर्ट है इसके नीचे दिल खुश हो जाए समझ आ गई इसलिए तुम्हें कहा अच्छी वाली और फुल प्यारी के सब देखते रहे सब कहे ओह माय गॉड ये ज़ैनब लेसल है वो तो वैसे भी नहीं कहते कैसे तो ये ज़ैनब देखो पीछे तुम्हारे टैग लगा हुआ टैग भी नहीं गाइस मैं फाइनली तैयार हो गई और हमेशा मेरा आउटफिट्स के साथ टैग लगा रहता है यार वो सीज़र ला के दो मम्मा प्यारी लग रही है इसका नहीं जी बहुत सही अभी फार्मास का हर वक्त टैग क्या पहली लुक देखनी थी गाइस पहली लुक आप लोगों ने नहीं देखी और इसको यार पता कितने बंदों ने किया है चार बंदों ने फातिमा ने राबिया ने हिरा ने राबिया तुम कर क्या रही हो राबिया सिर्फ ये पंगा दे रही है कि पंडाना बांध लो इसलिए डंडा लगाएगी अल्लाह तौबा राबिया इधर दो कर इसको ना इस तरह के कैजुअल के बांध लो बस आई अल्लाह गिरा शो करानी है गिरा ही तो प्यारी लगती है कितने बजे गेट बंद होना है छह बजे छह बजे और ये फार्मा का काम है टाइम पे लेके हाँ जी फार्मा तुम्हें निकली क्या हो पता नहीं क्या ही लगे सुपरविजन है ओ हाँ जी आंटी ने बना दिया मुझे सुपरविजन है और तुम भी लेट इनको जल्दी नहीं ना कहोगी थी रात के 7 बजे निकलेंगे चलो हो गया तुम लोगों को बता दो कॉन्सर्ट पे क्या कौन आ रहा है राबिया गेस करो कॉन्सर्ट पे कौन सिंगर आ रहा है सिद्धू बस कर दो कॉन्सर्ट पे ट्रैविस स्कॉट सिद्धू मूसेवाला बस कर दो यार हिरापिया आप गेस करो कौन आ रहा है कॉन्सर्ट पे अरिजीत सिंह यार तुम बालो अली जफर आ रहे हैं अली जफर आ रहे हैं तो डीजे नाइट भी है जल्दी जल्दी से सब करो बैग पहने मम्मा नहीं हिरापी भी लुक दिखाओ चलो भाई ये ज़ैनब की फुल लुक है डरा 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 साइड पे साइड बंदाना बांधा हुआ ज़ैनब ने प्यारी लग रही हूँ सब ने मेरी की है थैंक्स टू माय सिस्टर उन्होंने कौन सी सिस्टर फातिमा फैसल एंड राबिया फैसल फातिमा फैसल बिग फातिमा भी शामिल है हिराना भी की है हिरापी को एक्चुअली मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो ड्रेस उसको अच्छा लगा था वो मुझे भी अच्छा लगा वो लेकिन हिरापी की वाइब थोड़ी अलग है उसकी वाइब थोड़ी अलग है मुझे ज़ैनब के ड्रेस में एक दो चीजें कमी लग रही है वो हमारे पास एक्चुअल में है नहीं वो ये कि नहीं नहीं मैं एक बार बताऊँ ज़ैनब ऐसी ड्रेसिंग 3600 दफा कर चुकी है 3600 दफा ऐसी करती रहती है ऐसे लाई है ये उसी की है 3600 दफा देखी है ये इसको किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी मुझे अच्छी सी याद है इसके साथ जो है ना एक शाइनी बैग होना चाहिए था और शाइनी से कोई मजे की एयरिंग ऊपर वाले की और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए फातिमा को साथ भेज रही फातिमा आगे से चली जाएगी ये ज़ैनब का फैलाया हुआ गन देखेगा हम लोग रास्ते में और पता चला रोड्स वगैरह जो है वो सारी ब्लॉक श्लॉक हुई है क्योंकि जलसे की वजह से ये तो मेरे साथ हम जा रहे हैं देखते हैं कि कितना को आगे रास्ता तय करना पड़ता है इन लोगों के टिकट शुक्र है इन्होंने नहीं लिए ये फायदा हो गया लेकिन कोई फायदा नहीं हमने जाना है कौन से भी इतना तैयार के तुम्हारे लिए तैयार हुए हैं कॉन्सर्ट पे जाना है अंकल कह रहे हैं यार कुछ नहीं होता इजी सीन है बस हम आराम आराम से चलते हैं ठीक है वहाँ दुआई फाई मांग अब जाके हम लोग आपको खुशखबरी देंगे या तो हम लोग घर बैठे होंगे लोगों के लिए क्या खुशखबरी होगी उन्होंने अली जफर उन्होंने कॉन्सर्ट देखता है मेरा करोड़पति आप लोगों से मैं ही नहीं होंगे चुप हो रहा ओके गाइस बस हम लोग स्कूल के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं फाइनली तुम लोग सब ठीक ठाक हो सही हालतों में फातिमा का मेकअप अभी शाइन कर रहा है दोनों फातिमा का मेरा मेकअप शाइन कर रहा है चलो सही है बस हम लोग पहुंचते हैं अंदर जाके बस हिम्मत हिम्मत होनी चाहिए मुझ में मैं फौरन ब्लॉग बना लूंगी का तेज है।
फ्री में दिया जा रहा है? हाँ जी ये फ्री में दिया जा रहा है। पैसों का दिया जा रहा है? जगह ना फ्री। अच्छा अच्छा फ्री में दिया जा रहा है। बस ये इनके बेटे का नाम से देख लिए। फिर भी कोई घर के लिए भी पैक कर बस घर पे इतना बड़ा पिज्जा देने हिम्मत नहीं है तुम में गाइस। इतना मजा आया मतलब कि मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाई। अच्छा पिज्जा मतलब शवारमा है। बस कर दो ये पिज्जा है। नहीं ये पिज्जा है। ये पिज्जा है ना? पिज्जा है इटालियन पिज्जा है और वन ऑफ इट ओन काइंड। बस सही है। गो गोना लव इट। बस सही है। अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी। हां वुड की इट्स वाओ। हां कितनी देर लगती है बनने में? 180 सेकंड्स। 180 सेकंड्स? ओह ये पिज्जा थोड़ा स्पेशल पिज्जा है। वाओ नाइस। बनता है तो देखते हैं। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग जो है वो घर आ चुके हैं। ठीक है तो चल फातिमा अंदर चल जल्दी से। बहुत हम लोग लेट को पहुंचे लेकिन कोई बात नहीं। कैसा था कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट तो बहुत मस्त था। अली जफर ने कोई हैवी गाने ही नहीं गाए। मस्ती नहीं हुई लेकिन हमें डीजे नाइट पे मजा आया। गाया था हमने छन्नो की आग। हाँ वैसे बहुत मस्ती की हम लोगों ने। अब यहाँ मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। मम्मा से तो मिले ही नहीं। हेलो मम्मी। शुक्र है सही सलामत जैनब पहुँच गई वापस। हाँ ना सही सलामत पहुंच गई। पता है आपको रोड सारी ब्लॉक हो गई थी। बंद हो गई थी पूरी रोड। हाँ वो क्योंकि पता फातिमा ने बता दिया। वो पता है क्यों हुआ था? क्योंकि जलसे की वजह से उन लोगों ने सारा एरिया जो था बंद कर दिया था। रिंग रोड बंद थी। क्या वो जो जिसने आना था अली जफर? हाँ हाँ वो तो पहुंच गया। उसने ऐसे लड़ाई पे मिस था। फ्रेंड से तारीफ की कपड़ों की तुम्हारी? उन्होंने कहा बहुत क्यूट लग रही हो मैं। अब ऑब्वियसली अच्छा ड्रेस पहनता। डिजाइन किया है। अगर तू अपना पिछला वाला पहन जाती उन्होंने कहा था नहीं जी नहीं जी छपड़ी की बात नहीं है। वहां पे मेरे जैसा जो पिछला वाला था ना वैसा लड़की किसी ने सबने ब्लैक पहना था। लिजिट सबने में उनमें मिक्स हो रही थी। फिर येलो पहन जाना चाहिए था। रेड पहना होता तो यू वुड बी डिफरेंट। नहीं लेकिन अगर रेड वाला भी पहना होता ना तब भी मस्त होता क्योंकि वहाँ पे उस टाइप की शर्ट किसी ने नहीं पहनी। लेकिन जीन शर्ट पहनी थी मैंने। स्कर्ट वाला आउटफिट था। स्कर्ट वाला किसी ने भी नहीं वहाँ पे आउटफिट पहना था। वहाँ पे ना सिर्फ लोगों ने पहना हुआ था फुल वो बॉडी सूट्स टाइप। बहुत ज्यादा लोगों ने पहना वो भी नहीं पहनकर गया हूँ। बहुत ज्यादा कॉमन शॉमन था। नहीं तो वो तो नहीं अली जफर पहुंच गया तो उसके लिए रास्ता। अली जफर को बताना था कि मैं एस्ट्रोलॉजी की लड़की। अली जफर वो आगे मैं इतनी पीछे थी। क्राउड बहुत था ना बीच में कैसे होते गर्मी से बाल पापड़ जाते साग पसीना। चलो ठीक है देने बिजनेस अगर राबिया वहां होगी और बस कर दो राबिया। खैर अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग को एंड करना बस। ओह माय गॉड राबिया ने पिछले गेट पे व्लॉग को एंड किया था। पीछे स्कूल में एंड हर गेट की एंट्रेंस पे जाना व्लॉग एंड करती है। दो कदम चलने के बाद फिर व्लॉग ऑन करना। एंड नहीं था वो घर के एंटर हुई थी। एंडिंग नहीं थी एंडिंग अभी हो रही थी। खैर अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। बाय बाय टाटा लव यू।